हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू पॉइंट टेक्निक। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में, ऑन मार्जिन सीपीआर के बारे में। ठीक है, अभी सबसे पहले ही आता है कि ये सीपीआर आया कहाँ से दोस्तों। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीपीआर फ्रैंकलिन अचोवा, क्या है नाम है उसका, फ्रैंकलिन। ओके, ये ई नहीं लगेगा, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन अचोवा उनका नाम है। इनका देह है, यू नो, इनका दिया हुआ चीज है सीपीआर एंड मार्जिन सीपीआर। अब तो फ्रैंकलिन ने 2008 जून 20 को, ये डाउजन का प्राइस था 11,842 रुपया था, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी बोला कि ये अगले कुछ दिन के अंदर आ जाएगा, यू नो, 7,000 के करीब। ओके, तो लोगों ने बोलने लगे कि आप लोग ऐसे डरा क्यों रहे हो कि मार्केट गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ जो मुझे चार्ट में देख रहे, यू नो, दिखाई दे रहा है। तो बोला कि, लेकिन लोगों ने, किसी ने भी इसको बिलीव नहीं किया दोस्तों। लेकिन एक साल के बाद, यू नो, 2009 पे जब डाउजन का प्राइस 64, एग्जैक्टली एक साल के बाद, यू नो, डाउजन का प्राइस 64.69 आ गया था दोस्तों, ये लगभग 45% का करेक्शन दे चुका था। ओके, तो ये चीज को इन्होंने प्रेडिक्ट कैसे किए, यू नो, बहुत टाइम पहले किस तरीके से प्रेडिक्ट किए, क्या देखे मार्केट में, तो ये सारी चीजें ये कैसे आइडेंटिफाई किए, उनका जो यूज किया होगा कंपोनेंट है सीपीआर, वर्जिन सीपीआर एंड मनी जोन। ओके, ये सारी चीजें ना, तो ये सारी चीजें, एक बुक है, एक सीक्रेट्स ऑफ ए पिवट बॉस, तो आप उस बुक को पढ़िएगा, तो वहां पे वो सारी चीजें मेंशन किए हैं। और आप लोग भी बहुत सारी चीजें यूट्यूब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग, यू नो, इसके बारे में ऑलरेडी बता है। तो हमारा काम क्या है, मैं आपको इतना डीपली नहीं लूंगा वो सारी चीज बताने में, आप इसको जाके पढ़ के ये सारी चीज समझ सकते हैं। ओके, तो अब आइए बात करते हैं कि जैसे दोस्तों अभी सीपीआर का मतलब क्या है। ओके, तो सीपीआर का मतलब क्या है, सेंट्रल पिवट रेंज। ओके, क्या है सेंट्रल, ओके, जैसे कि हमने क्या करते हैं, जैसे कि आपको पिवट, नॉर्मल पिवट पता है, नॉर्मल पिवट क्या है कि प्रीवियस डे का हाई प्लस लो प्लस क्लोज का एवरेज है ना दोस्तों। फ्रैंकलिन अचोवा का कहना है कि, यू नो, पिवट पिवट पॉइंट एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है, और काफी बड़े बड़े मशहूर ट्रेडर इसको यूज किए हैं। ओके, तो दोस्तों अगर इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना है, तो आपको इसको सीपीआर को यूज क्यों करना है, वर्जिन सीपीआर क्या है आपको पता नहीं है, तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीजें सर्च कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। ओके, तो मैं खाली इसको बता देता हूँ कि सीपीआर का मतलब क्या है। जैसे कि मैं बोला ऑलरेडी, सीपीआर का मतलब सेंट्रल पिवट रेंज है। जैसे कि हमारा, यू नो, हमारे पास एक पिवट रहता है कि इस तरीके से पिवट रहता है। ओके, और ये इस तरीके से R1 रहता है, यहाँ पे R2 रहता है, यहाँ पे R3 रहता है, नीचे उस तरीके से क्या रहता है, नीचे सपोर्ट रहता है ना, सपोर्ट रहता है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट रहता है। देखिए दोस्तों, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ओके, तो ये पिवट है दोस्तों। लेकिन सीपीआर का, लेकिन दोस्तों सीपीआर क्या है, सीपीआर का मतलब देखिए, ये नॉर्मल पिवट है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन रहता है, उसको जिसको बोलते हैं TC, यानी कि टॉप सीपीआर, उसके नीचे जो लाइन रहता है उसको बोलते हैं BC, यानी कि बॉटम सीपीआर। ओके, ये सारी चीजों को जब मैं ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, क्या है, ये सारी चीज बताऊंगा। तो ये सीपीआर है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह काम करता है दोस्तों। जैसे कि प्राइस यहां से जाता है, मतलब कॉल का क्लोजिंग हुआ इस एरिया में, प्राइस इसे ऐसा मूवमेंट करके यहाँ पे क्लोज हो गया, अब यहां से सुबह ऊपर जाता है ऊपर, ये एक, यू नो, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जैसा काम करेगा दोस्तों। ये कंप्लीट एरिया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। जैसे कि प्राइस उस दिन ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया है, क्लोज दे दिया, फिर कल ऊपर ओपन होने के बाद अगर ऐसा नीचे आता है, फिर यहां से सपोर्ट लेके, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ओके, तो ये सीपीआर कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पर डिसेसिवली क्लोज कर दिया, फिर इसको चांसेस है कि नीचे जाएगा। ओके, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं सारी चीजें को। ओके, अब वर्जिन सीपीआर का मतलब क्या है, वर्जिन सीपीआर का मतलब यही है, जैसे कि ये एक तीन लाइन हो गया, ये इसको बोलते हैं TC, ये BC। मान लेते हैं कि प्राइस उस दिन का क्या हुआ, प्राइस इस तरीके से मूवमेंट दिया। ओके, यानी कि, अरे वर्जिन का मतलब क्या है, वर्जिन का मतलब जो टूटा नहीं है, राइट। तो यानी कि उस दिन प्राइस ने इस, यू नो, जो सीपीआर जोन है उसको छुआ ही नहीं है, तो ये बन गया वर्जिन सीपीआर, ठीक है। ये क्या होगा,
नेक्स्ट दिन जब ट्रेडिंग करो तो नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग सेशन में ये वर्जिन सीपीआर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगेन इट विल एक्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि कल अगर फिर ओपन हुआ प्राइस ऐसा हो सकता है फिर यहाँ पे गया पीस के नीचे आ जाएगा। ये सारी चीजें जब टर्मिनल में दिखाऊंगा आपको समझ में आ गया, अगर आपको पहले देखे होंगे सारी चीजें तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, उसे कोई संदेह नहीं है। ओके, तो चलिए मान लेते हैं ये एक सीपीआर जोन है, तो प्राइस क्या हुआ उसी दिन यहाँ से क्या इस तरीके से मूवमेंट दिया, लेकिन ये जो सीपीआर को टच ही नहीं किया तो ये भी बन गया एक वर्जिन सीपीआर। ओके, तो नेक्स्ट दिन हमको ट्रेडिंग करना है नेक्स्ट मार्केट, तो इसको एक्सचेंज कर देना है सीपीआर को, यही जो सीपीआर है ये जो वर्जिन सीपीआर इसको एक्सचेंज कर देना है। अब ये जब इधर आएगा इसको अप्रोच करेगा ये, अच्छा ये जो मूवमेंट दिया होगा ना इसका तो एक सीपीआर ऑलरेडी बनेगा ऊपर या नीचे कहीं पे भी बनेगा, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है ये वाला सीपीआर जोन को। ओके, तो ये एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, या फिर नीचे आएगा तो नीचे ओपन होगा तो नीचे अगर ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने सीपीआर का जो भी यू नो हमको फॉर्मूला यू नो चाहिए होगा निकालने के लिए, मेरा काम क्या है मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय सीपीआर के जितने भी स्टॉक होते हैं ना आप किस तरीके से यू नो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप इसको अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस है, जिसके पास लैपटॉप है वो आराम से कर सकता है, जिसके पास नहीं है चार्टिंग का स्कैनर में बनाया हूँ उसका यू नो फाइन ट्यून वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैं आपको यू नो ये लगभग कंटिन्यूअसली मैनर में वीडियो आएगा, दो तीन दिन तक यू नो वीडियो आएगा, तो ये सीरीज को खत्म करके इस सीरीज में बताऊंगा क्या वर्जिन सीपीआर को स्कैन कैसे करेंगे। ओके, और उसको ट्रेड कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, आप इसको थोड़ा देखते रहिए, और इसका जो यू नो बुक है किताब है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ओके, ये सीट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों थोड़ा ये फॉर्मूला वगैरह को समझ लेते हैं कि पिवट किस तरीके से आता है, ताकि मैं आपको कल जब ये एक्सेल शीट बताऊंगा यू नो करके दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए दोस्तों ये पिवट है, पिवट का क्या है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब आर वन क्या है, 2 × पिवट - लो। ओके, 2 × पिवट - लो। आर टू क्या है, जैसे कि पिवट यानी कि जो भी पिवट निकलेगा यानी कि ये वाला प्लस हाई माइनस लो। ओके, आर थ्री कैसे निकलेगा, आर वन यानी कि ये जो वैल्यू रहेगा प्लस हाई माइनस लो। एस वन कैसे निकलेगा, 2 × पिवट - हाई। एस टू पिवट - हाई माइनस लो। एस थ्री एस वन यानी कि ये वाला माइनस हाई माइनस लो। बी सी मतलब क्या है, बॉटम सीपीआर हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। टी सी यानी कि पिवट माइनस बी सी प्लस पिवट, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2 पिवट - बी सी। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, पिवट माइनस बी सी प्लस पिवट इज इक्वल टू 2 पिवट - बी सी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें मैं आपको जब यू नो कल इसके सीपीआर के वर्जिन सीपीआर हम किस तरीके से स्कैन करेंगे कल एक्सेल शीट में बताने वाला हूँ, परसों आएगा चार्टिंग में। ओके, तो आपको दोनों का सारी चीजें वहां पे टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज शेयर करूंगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए। और जब हम ट्रेडिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सीपीआर किस तरीके का है। ओके ओके दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं कि वर्जिन सीपीआर किस तरीके का बनता है और सीपीआर किस तरीके से। देखिए दोस्तों ये जो तीन लाइन है ना, ये जो रेखाएं होते हैं ना, ये ऊपर का इसको बोलते हैं टीसी, नीचे वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं बीसी, ऊपर का बोलते हैं सेंट्रल पिवट लाइन। ओके, तो ये कम्प्लीटली रेंज आप देख सकते हो तो कि ये जब इसको ब्रेक किया कितना डिसेसिवली फॉल किया, यानी कि यहां तक गया। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग व्यू में अगर इसको लगाना है आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड करना है एक इंडिकेटर, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे सीपीआर लिखो सीपीआर। ओके, सबसे नीचे आएगा एक्सपेंडेड फ्लोर पिवट विथ डेली वीकली मंथली गमोदी शंकर, ये आएगा आपको इसको यू नो लगाना है। लेकिन आपको वहां पे अगर ये सारी चीजें नहीं चाहिए, बहुत सारा यू नो मंथली वीकली वगैरह सीपीआर वगैरह आएगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है ये वाला में, जाने के बाद यहाँ पे जब स्टाइल पे जाओगे तो आप सारी चीजें ऑफ कर देना, सिर्फ पिवट यू नो बीसी और टीसी रखेंगे। ओके, अगर आप चाहे तो एस वन और आर वन को भी लगा सकते हो, बाकी सारी चीज को यू नो निकाल दो ताकि आपका जो चार्ट दिखे प्राइस दिखे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज हम कल यू नो जब डिस्कशन करेंगे वर्जिन सीपीआर के स्टॉक्स वगैरह जब निकालेंगे, जो जो स्टॉक यू नो निकलते, जैसे कि आज भी कुछ वर्जिन सीपीआर के स्टॉक यू नो निकले होंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको इन्हों दिखा दिया, अभी इसको थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मैं इसका जो सीट है मैं आपको कल देता हूँ, बाकी कल वर्जिन सीपीआर को किस तरीके से हम ढूंढेंगे एक्सेल शीट के माध्यम से वो बताऊंगा, परसों
चार्टिंग के माध्यम से किस तरीके से ढूंढेंगे वो बताऊंगा, और आपका टाइम बहुत कुछ सेव होने वाला है। आपको हर स्टॉक को जाके सीपीआर को टच किया है कि नहीं किया है वो देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।